तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर सिविल इंजीनियर्स, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे जनरल टॉपिक्स जो सभी सिविल इंजीनियर्स को, साइट इंजीनियर्स को पता होने चाहिए। तो उनके जो कुछ टॉपिक हैं वो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, यानी कि वेस्टेज ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील से। अब देखिए हमें सभी बिल्डिंग इंजीनियर्स को, क्यूएस इंजीनियर्स को पता होता है कि जो हमारी रेनफोर्समेंट स्टील की जो परमिसिबल वेस्टेज लिमिट होती है वो 2% से 3% के बीच में होती है। वो डिपेंड करता है कि आपके टेंडर में कितनी लिखी हुई है। अब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अकाउंटेबल वेस्टेज और नॉन अकाउंटेबल वेस्टेज में क्या डिफरेंस है, तो उसको कैसे समझना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपकी साइट पर रेनफोर्समेंट स्टील आता है, जो डिलीवर हुआ है वो 100 मेट्रिक टन हुआ है। 100 मेट्रिक टन आने के बाद में जो आपकी साइट पर बिलिंग हुई, यानी कि उसका क्या हुआ, BBS बना, आपके जो भी चेयर्स थे, स्पेसर्स थे, सबको JMR में प्रॉपर रिकॉर्ड करके जो एक्चुअल कंजम्पशन निकलती है वो 97 मेट्रिक टन निकलती है। तो यहाँ पर देखिए वेस्टेज में जो शॉर्ट है, आपका सप्लाई इतना हुआ, कंजम्पशन इतना हुआ, तो 3 मीट्रिक टन का आपको हिसाब चाहिए। अब 3 मीट्रिक टन आपकी साइट पर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो आपकी साइट पर स्क्रैप था, तो स्क्रैप का जब वेट किया गया तो वो मैं मान लेता हूँ आपका मिला 2.1 मीट्रिक टन, बाकी का 0.9 जो है वो मिला ही नहीं। तो ये जो मिला नहीं है आपकी साइट पर, तो ये होता है नॉन अकाउंटेबल में। और जितना स्क्रैप आपकी साइट पर मिल जाता है तो वो होता है अकाउंटेबल में। अब नॉन अकाउंटेबल के केस में आपका रोलिंग मार्जिन का कुछ स्टील एडजस्ट हो जाता है, और दूसरा जो कुछ आपकी साइट पर टेम्परेरी यूज में ले लिया गया हो या फिर जो मिट्टी में दब गया हो, तो इसके लिए ये दो केस आपके इस वेस्टेज में दिए जाते हैं। और इस परमिसिबल लिमिट को भी इन्हीं के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि सपोज मैं 3% को उठा लेता हूँ तो 2% आपकी अकाउंटेबल में आ जाएगी, 1% आपकी नॉन अकाउंटेबल में आ जाएगी। अगर मैं मान लेता हूँ मेरी 2.5% वेस्टेज होती, तो परमिसिबल लिमिट अगर 2.5 है तो 2% वेस्टेज में है, तो 0.5 आपकी नॉन अकाउंटेबल में है। तो इस टाइप से ये केस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और आपका बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठता है कि जो आपकी कटिंग लेंथ है बार की, उसको कब माना जाएगा कि वो वेस्टेज की कैटेगरी में है या वो वेस्टेज की कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि जो बार की लेंथ है आपकी, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसका जवाब जो है ना तो किसी IS कोड में लिखा हुआ है और ना ही किसी CPWD की गाइडलाइन में है। बेसिकली जो आपकी बार की लेंथ है, तो इसके लिए आपको दो केस देखने को मिलेंगे वेस्टेज के केस में। सबसे पहला केस होता है जो स्टैंडर्ड है कि अगर आपकी बार की लेंथ 1 मीटर से इससे कम है तो वो वेस्टेज में काउंट किया जाएगा, और 1 मीटर से अगर ज़्यादा है तो वेस्टेज में काउंट नहीं होगी। इसके अलावा एक केस और क्या देखने को मिल सकता है इस वाले के लिए, कि जो आपकी लैप लेंथ होती है, यानी कि ये डाया के अकॉर्डिंग चलेगी। लैप लेंथ के केस में मीन कि जो मान लीजिए हमारी 50D होता है लैप लेंथ, तो डाया के अकॉर्डिंग जो भी बार की जो लेंथ है वो इसकी लैप लेंथ से अगर कम होगी तो ही वो वेस्टेज में काउंट होगा, नहीं तो वो वेस्टेज में काउंट नहीं होगा। तो डाया के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी चेंज हो जाती है। सपोज 8 mm, 10 mm, 16 mm, 20 mm, अगर मैं इस पर 50 करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 400 mm। तो 400 mm के बिलो अगर कोई बार होगी तो वो हमारी वेस्टेज में काउंट होगी। 10 mm के लिए हमारी कितनी हो जाएगी, 500 mm हो जाएगी। 16 डाया के लिए कितनी हो जाएगी, 800 mm हो जाएगी। तो ये वाला जो केस है हमारा, आपको किन्हीं किन्हीं टेंडर्स में देखने को मिल सकता है, और इन्हीं दोनों केसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि एक्युमुलेशन ऑफ कंक्रीट एट स्लैब ड्यूरिंग कास्टिंग, यानी कि जब कभी आपकी स्लैब की हाइट ज़्यादा होती है, तो उन केसेस में जब आप कंक्रीटिंग कराते हो साइट पर, तो कहीं शटरिंग फेल ना हो जाए, क्योंकि उस पर लोड किसका आता है, सबसे ज़्यादा कंक्रीट का आता है।
और वेट कंक्रीट की डेंसिटी होती है 2600 केजी पर क्यूबिक मीटर की। तो क्या गाइडलाइन है कि एक्युमुलेशन यानी कि स्लैब है, जैसे ये आपकी क्या है, ये स्लैब है, ये स्टेजिंग मैंने बनाई हुई है, ये आपकी स्लैब की शटरिंग लगी हुई है और ये पंप के थ्रू यहाँ पर कंक्रीट डाली जा रही है। तो आईएस कोड की गाइडलाइन कितना अलाउ करती है कि आप कितना एक्युमुलेशन कर सकते हो, तो एच पर आईएस कोड जो हमारी गाइडलाइन है वो होती है आपकी 3 times ऑफ स्लैब थिकनेस। यानी अगर मेरी स्लैब की थिकनेस 200 mm है तो मैं यहाँ पर जो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 600 mm तक ही डाल सकता हूँ, इससे ज़्यादा का लोड हमें इसके ऊपर नहीं देना है। ये एच पर आईएस कोड गाइडलाइन है और इस पॉइंट को भी साइट इंजीनियर्स को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जब लोड अगर आप ज़्यादा दे दोगे तो आपकी जो स्टेजिंग है वो बल्ज होकर उसके फेल होने के चांस रहते हैं, क्योंकि शटरिंग का एक अपनी कैपेसिटी होती है लोड लेने की, तो इन पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद में आपका अगला सवाल हो सकता है कि हम लोग शटरिंग ऑयल को क्यों यूज करते हैं, यानी कि जो भी हमारे फॉर्म्स होते हैं, जो भी हमारी कॉलम की है, स्लैब की है, जो उनके मोल्ड होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, शटरिंग ऑयल से उनको कोट करते हैं, तो वो क्यों करते हैं। तो इसका जो जवाब है वो इन पॉइंट्स में आपको देना होता है। सबसे पहला पॉइंट है टू प्रिवेंट एडेशन फ्रॉम कॉन्क्रीट, यानी कि कॉन्क्रीट का जो एडेशन है वो शटरिंग के साथ ना रहे और उसको हम आसानी से रिमूव कर लें और हमारी शटरिंग क्या हो, डैमेज ना हो। इसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, शटरिंग गिव्स मच लॉन्गर लाइफ, यानी कि अगर आप शटरिंग में शटरिंग ऑयल को यूज करोगे तो उसकी लाइफ आपकी ज़्यादा इंक्रीज होगी और इंक्रीज रिपीटेशन, और आपको रिपीटेशन भी उसमें ज़्यादा मिलेंगे। और जो आपके मार्केट में शटरिंग ऑयल यूज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हो गया आपका हैवी मिनरल ऑयल और दूसरा आते हैं आपके पॉलीमर बेस्ड, जिसको पानी के साथ मिक्स करके 1:20 के रेशियो में यूज करना होता है। तो ये सवाल भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आपको सिंपल सा ये दो आंसर उनको देने होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद में अगला सवाल पूछा जाता है कि आपकी साइट पर कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट की डीशटरिंग होती है और उसमें कोई छोटा मोटा हनीकॉम्ब है या कोई एज टूट गई है या कोई सरफेस ठीक नहीं है, तो उसको रिपेयर कैसे करोगे, या फिर उसमें जो रिपेयरिंग के लिए जो भी आपका मोटार यूज होता है उसका रेशियो क्या होता है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी इंटरव्यू में पुट अप कर दिया जाता है। तो इस रेशियो को एच पर CPWD है आपका 1 cement with 1 fine sand, यहाँ पर ध्यान रखना फाइन सैंड है, कोर सैंड को यूज नहीं करना होता है। इस रेशियो के साथ में इसको मिक्स करके फिर उसको रिपेयर करना होता है, लेकिन कंडीशन ऐसी भी रहती है कि उसके लिए एक विजुअल इंस्पेक्शन भी होता है। अगर हनी कॉम्बिंग ज़्यादा है, स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा अंदर से पोरस है, तो उसको तोड़ने की सलाह होती है कि उसको तोड़ा जाए। इसके अलावा अगर और कुछ जो रेमेडीज़ हैं, यानी कि आपकी जैसे इंजेक्शन ग्राउटिंग हो गई, तो ये सारे मेथड्स भी उसमें यूज किए जाते हैं, लेकिन इन जनरल कभी कभी मोटार रेशियो के बारे में पूछा जाता है, तो आपको हमेशा एक एक का रेशियो का जवाब देना है, किसके लिए, कंक्रीट की रिपेयरिंग के लिए डी शटरिंग के बाद में, और वो भी कितने टाइम में हो जाना चाहिए, विद इन 24 आवर के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिविल इंजीनियर्स के लिए। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कि किसी वॉल पे जब हमें प्लास्टर करना होता है तो प्लास्टर के टाइम पर क्या होता है कि वॉल में हमारी अंडुलेशन होती है और उस अंडुलेशन को ख़त्म करने के लिए हमें ये बुंदा लगाना होता है, या कह सकते हैं कि एक पैच लगाना होता है वॉल पर, कि जिससे जो वॉल के लेवल का वो सरफेस है वो हमें एक सा दिखे। तो इनको लगाने के लिए क्या कोई स्टैंडर्ड है हमारा कोड में या नहीं है, तो मैं बिल्कुल बता दूं इसका भी जो गाइडलाइन है वो हमारी CPWD में दी गई है। इसकी दो थिकनेस के बेस पे डिपेंड है। अगर आपका जो प्लास्टर है सपोज मान लीजिए 12 mm की थिकनेस के बिलो है, और दूसरा केस हो गया 15 mm और 18 mm यानी कि 12 mm से ऊपर है, तो जो बिलो वाले केस में आपको क्या करना है, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 1.5 मीटर पे लगेगा सेंटर टू सेंटर, और इसका स्टैंडर्ड साइज होता है 150 by 150 mm का। अगर यही थिकनेस मैं मान लेता हूँ, मेरी जो थिकनेस है ये मैं मान लेता हूँ अप टू 12 mm के लिए है, और यही थिकनेस अगर हमारी ये 18 mm हो जाती है तो ये जो डिस्टेंस है आपका 2 मीटर हो जाएगा और इसके साइज आपका 150 by 150 mm। तो ये इंटरव्यू में कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ये टॉपिक भी आपको
पता होना चाहिए। और सभी को पता है कि जो प्लास्टर का वर्क है वो हमारा टॉप से डाउन की तरफ होता है, यानी कि ऊपर से हम नीचे की तरफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मेसनरी वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। यानी कि जब कभी आप साइट पर ब्रिक वॉल करते हो तो उसमें जो आपका वर्टिकलिटी है, यानी कि जो आप प्लम्ब डालते हो, तो उसकी टॉलरेंस की लिमिट कितनी होती है। तो एज पर CPWD 6 mm का अलाउंस होता है अप टू 3 meter तक की हाइट के लिए, और मैक्सिमम लिमिट होती है 12.5 mm फॉर मोर देन 1 story। यानी कि अगर आपका जो ब्रिकवर्क है वो 2 story या 3 story की कैटेगरी में जा रहा है तो वहाँ पर 12.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपकी जो वॉल की राइज होगी, यानी कि वॉल को उठाना कैसे होता है, तो उसकी लिमिट क्या कहती है। CPWD का क्या कहना है कि आपको कोई भी मेजनरी की वॉल उठानी है, उसकी हाइट कितनी भी हो, लेकिन आपको मैक्स टू मैक्स 1-1 meter की लेयर लेके चलना होता है। यानी कि ऐसा नहीं हो कि एक मेसन आपने इधर से लगाया और एक मेसन इधर से आपने मेसनरी का काम के लिए लगाया, तो इस वाले ने कहीं यहाँ तक उठा दी और ये यहाँ कहीं नीचे रह गया, तो ये बिल्कुल भी अलाउबल नहीं है। इसको सबसे पहले आपको 1 meter की लेयर पे क्लोज करना है, उसके बाद में दूसरी लेयर, उसके बाद में तीसरी लेयर, तो लेयर बाई लेयर ही इसको उठाना होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है आपका कि चेज कटिंग के अलाउंसेस कैसे होती है, यानी कि चेज की जो वॉल है, कोई भी प्लम्बिंग का काम है, इलेक्ट्रिकल का काम है, तो उसमें चेज कटिंग के लिए क्या गाइडलाइन है। देखिए जो आपका वर्टिकल चेज कटता है तो उसके लिए जो गाइडलाइन होती है 1/3 ऑफ वॉल की थिकनेस, यानी कि इतना आप वॉल की थिकनेस के अकॉर्डिंग उसमें चेज कर सकते हो। लेकिन CPWD अवॉइड करता है कि हॉरिजॉन्टल जो चेज हैं वो ना काटे जाएं, यानी कि इसको अवॉइड किया जाए। अगर रिक्वायरमेंट है तो 1/6 ऑफ वॉल थिकनेस आप चेज कर सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल की लिमिट है। इसके बाद में लिखा हुआ है कि नो चेज कटिंग अलाउड फॉर लोड बेयरिंग हाफ ब्रिकवर्क वॉल, यानी कि जो आपकी हाफ ब्रिकवर्क की वॉल होगी तो उसके लिए कोई भी चेज कटिंग अलाउड नहीं होगी, अगर उस पर कोई लोड बेयरिंग का जो लोड है अगर उस वॉल के ऊपर आ रहा है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो सिविल इंजीनियर्स को पता होने चाहिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।